तो नमस्कार, रफ्तार मीडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप। आपके साथ मैं हूं राहुल कुमार और बड़ी खबरों की शुरुआत हो चुकी है। बड़ी खबरों की शुरुआत हम अमूमन छत्तीसगढ़ की खबर से करते हैं, लेकिन आज खबर जो है थोड़ा रुख बदल रहे हैं, बात उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं। मुद्दा कोई बहुत बड़ा नहीं है, अगर आप उस लिहाज से देखें मुद्दा छोटा सा है, लेकिन जिस जगह से ये मुद्दा बिलोंग कर रहा है, ये मुद्दा उस जगह के लिए काफ़ी बड़ा हो जाता है। गर्मी का मौसम आ रहा है, अब बस्ती शहरी क्षेत्र के लगभग 1.25 लाख की आबादी को सार्वजनिक स्थल पर ठंडा और साफ पानी मिल सके, इसके लिए नगरपालिका बस्ती ने 4 महीने पहले दिसंबर 2022 में 19 लाख की परियोजना को वाटर एटीएम के रूप में धरातल पर उतारा था। जिले के शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थानों पर 25 वाटर एटीएम मशीन स्टैब्लिश कराए गए, मगर 4 महीने में ही ये योजना ध्वस्त हो जाती है। अधिकांश वाटर एटीएम में पानी नहीं आ रहा है, मगर जहां आ रहा है वहां पानी पीला है, गंदा है। नगरपालिका बोर्ड की ओर से कार्यकाल समाप्ति के अंतिम दौर दिसंबर 2022 में लंबे समय से प्रस्तावित वाटर एटीएम स्थापना को हरी झंडी मिली। इस योजना पर 19 लाख रुपए खर्च किए गए। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि एक तरफ जहां सरकार शुद्ध और साफ जल की उपलब्धता पर लाखों रुपए खर्च कर देती है, बावजूद इसके महकमे की उदासीनता के चलते लोग महज ठगे महसूस करते हैं, जिसके कारण आज भी स्थिति यह है कि वाटर एटीएम होते हुए भी लोगों को 20 रुपए में पानी की बोतल खरीदनी पड़ रही है। तो एक तरफ जहां सरकार जो है लोगों को साफ और स्वच्छ पानी, ठंडा पानी उपलब्ध करवाने के लिए लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रही है, दूसरी तरफ स्थिति यह है, बदहाली की स्थिति इसे कह सकते हैं, कि वाटर एटीएम का कोई इस्तेमाल ही नहीं है, पानी सूख चुका है, पानी गंदा आ रहा है और किसी को कोई सुध लेने की पड़ी ही नहीं हुई है। कुल मिलाकर पोस्टर साट दिए गए हैं, एटीएम बना दिए गए, वाटर एटीएम बना दिया गया है, लेकिन इस वाटर एटीएम का इस्तेमाल क्या है शायद किसी को पता तक नहीं होगा, क्योंकि इसमें से ना पानी निकलता है और जहां निकलता है वहां तो भैया गंदा पानी ही निकलता है। लगा हुआ तब से बंद है। अच्छा, क्या लगता है कि चालू होने का भी नहीं है? कोई आया नहीं अभी तक? कोई नहीं आया। अच्छा, क्या चाहते हैं अभी इसमें? ये तपती हुई गर्मी में क्या लगता है कि इससे क्या अभी तक पानी चालू? 2 रुपये पानी मिल जाए, 20 रुपये पानी खरीद के पीना पड़ रहा है। क्या ये चालू है? नहीं। तब से नहीं चालू है? 4 महीने से। जब से लगा तब से नहीं चालू है। अच्छा, 4 महीने। एटीएम का इस्तेमाल क्या है वो तो आप तस्वीरों के जरिए बेहतर समझ पा रहे हैं। तो बस्ती से सहयोगी धर्मेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। धर्मेंद्र, जब आप ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे होंगे, ऐसे कई वाटर एटीएम्स आपको देखने को मिले, और कुल मिलाकर जैसा तस्वीरों के जरिए और रिपोर्ट के जरिए हम समझ पा रहे हैं, ज्यादातर वाटर एटीएम की यही स्थिति है, या तो बंद पड़े हुए हैं या पानी गंदा आ रहा है। तो फिर आखिर किस बिना पर, किस मतलब आइडिया विजन को लेकर ये वाटर एटीएम लगाए गए, जब ये अपना पर्पस ही नहीं सर्व कर पा रहे हैं? धर्मेंद्र, 2022 में जी 19 लाख रुपए से खर्च करके जो है 15 एटीएम लगाए गए, जिसका उद्देश्य था कि लोगों को स्वच्छ जल मिले और ठंडा जल मिले। लेकिन सर ये उस समय चूंकि सर जब दिसंबर में लगा हुआ था तो उसमें सर मौसम ठंड होने के कारण इसका उपयोग नहीं हो पाया, जिसलिए इस पर किसी का ध्यान भी नहीं गया। लेकिन सर इधर राहुल जी, जैसे ही मौसम करवट बदला और गर्मी थोड़ी बढ़ी तो लोगों की इसकी आवश्यकता पड़ी, और जब लोगों ने इसका उपयोग करना चाहा तो ये मात्र एक शोपीस साबित हुआ। सर कई जगह ऐसे हुए जहां सर बिल्कुल बंद है, कई जगह ऐसे जो टूटी भी नहीं है, और कई जगह सर ऐसे है जहां का पानी निकल भी रहा है तो इतना गंदा निकल रहा है कि थोड़ी देर बाद उसका कलर चेंज हो जा रहा है। तो राहुल जी कहीं ना कहीं ये जो सिस्टम है ये सर मात्र एक दिखावा साबित हो रहा है। और अभी सर दो कल की बात है, कुछ जो स्कूली बच्चे थे जी, राहुल जी 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 सर, वो जो है प्यास से, गर्मी में प्यास से बेचैन थे, उन्होंने सिक्का निकाला और जैसे उसमें डाला पानी नहीं आया, उन्होंने फिर दोबारा जो है 2 रुपए का सिक्का निकाला और डाला, पानी नहीं आया। हताश होकर जब मैंने उनसे पूछा कि बेटा ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने कहा सर 6 रुपए हमारे चले गए कि पानी नहीं मिला, इससे अच्छा रहता कि 4 रुपए और डाल के एक गिलास गन्ने का
मीठा और ठंडा जूस मिल जाता। बिल्कुल धर्मेंद्र जी, ये कहीं ना कहीं ये तो बिल्कुल हाथी के दांत जैसा हो गया ना, कि दिखाने के और खाने के और वाली बात हो गई एक तरीके से। तस्वीरों के जरिए भी हम देख पा रहे कि सिर्फ एक शोपीस के नाम पर एक पाइप लटका दिया गया कि यहां से आपको पानी निकल के मिलने वाला है, लेकिन जैसा कि आप तस्वीरों में आप दिख भी रहे हैं, आप अपने हाथ से उस टोटी को हिलाते हुए दिख रहे हैं और कुल मिलाकर है कि पानी तक नहीं निकल रहा है। ये क्या करना क्या चाह रहे हैं नगर पालिका के लोग? मतलब 15 वोटर एटीएम्स लगा तो दिए गए, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि अपना पर्पस सर्व कर पा रहा है धर्मेंद्र। बिल्कुल राहुल जी, जो आप कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं कि वास्तव में जो लगाया गया है सिर्फ इनका उद्देश्य जो था वो सिर्फ इस तरीके का जो दिखावा साबित हुआ था, और ये दिखाना चाह रहे थे कि हमने विकास किया है, लेकिन वो विकास जो है केवल एक डिब्बा नुमा डिब्बा तरह सड़क पर जो है जगह घेरे पड़ा है। आपको ये भी बता दें कि आज जो है लोग हताश होकर 2 रुपए की जगह 20 रुपए का बोतल का पानी पीने को मजबूर दिखाई पड़ रहा है। तो धर्मेंद्र जी कुल मिलाकर ये भी तो कहा जा सकता है ना कि सामने जो चुनाव थे उसी को देखते हुए आफे फाफे में एक इसी तरीके से इंस्ट्रक्चर्स को खड़ा कर दिया गया है। क्या जनता इन स्ट्रक्चर्स को देखने के बाद जो पुराने प्रतिनिधि रहे हैं उन पर भरोसा कर पाएगी? क्या इन फर्जी एक तरीके से स्ट्रक्चर्स को देख कर क्या जनता उन्हें वापस से चुनेगी किसी भी कीमत पर? धर्मेंद्र जी। जी राहुल जी, बिल्कुल आप सही सवाल कह रहे हैं। वास्तव में इस सवाल का जवाब जो है आने वाले समय में जनता उनको देगी कि जो है कि इनका जो ये जो प्रयोग है कैसा है। लेकिन राहुल जी, एक बात और भी है, जैसे अभी हम रेलवे स्टेशन पे भी हमने इसका ग्राउंड रिपोर्टिंग किया था और वहाँ के लोगों से हमने पूछा कि भाई आपका जो है पानी नहीं मिला है या ये लगा हुआ, उस पर क्या कहना है। उन्होंने कहा कि सर ये केवल जो है मात्र एक डिब्बा नुमा डिब्बा की तरह लगा हुआ है, इसका कोई भी उपयोग नहीं है। और यही कारण है कि वहाँ के लोग जो है 2-3 बार जब लगी थी सर तो सबको बड़ा उम्मीद था, बहुत ही विश्वास था कि अब शायद जो है 2 रुपए में 5 रुपए में 10 रुपए में उनको ठंडा पानी मुहैया होगा, लेकिन ये जो है मात्र एक छलावा साबित हुआ है और जनता जो है अपने आप को एक ठगा सा महसूस कर रही है। रेलवे स्टेशन की बात करें दक्षिण दरवाजे की, बात करें जो है पुरानी बस्ती थाने की, रोडवेज की, इस तरीके से हर जगह का वो है कि जो है लोग पानी लेते हैं। अगर पानी कहीं कहीं अगर निकल भी रहा है तो राहुल जी पानी थोड़ी देर में पीला पड़ जाए, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। बिल्कुल शुक्रिया धर्मेंद्र जी तमाम जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं बस्ती से यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, हमारे सहयोगी धर्मेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे और वो बता रहे कि सिर्फ स्थिति 1-2 एटीएम्स की नहीं है, कुल मिलाकर 15 एटीएम्स लगाए गए हैं और मैक्सिमम एटीएम्स जो है उनकी स्थिति यही है, अपना पर्पस सर्व नहीं कर रहे हैं। सूखा है या फिर अगर उनमें से पानी निकल रहा तो वो इतना गंदा पानी निकल रहा है कि उसे पीना मुमकिन नहीं है, नामुमकिन है। बावजूद इसके आनन फानन में किसी तरीके से इन्हें लगा दिया गया है, क्यों? तो या फिर सामने चुनावों को देखते हुए या फिर तो इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ अंकुर वर्मा जी जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, जो पहले यहां पर नगर पालिका चुनाव लड़ चुके हैं। अंकुर जी, कुल मिलाकर जो मौजूदा जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने अपना कहीं ना कहीं चुनावी दाव पेच आजमाते हुए ये स्ट्रक्चर्स खड़े कर दिए, 15 स्ट्रक्चर खड़े कर दिए हैं, लेकिन कहीं से भी ये स्ट्रक्चर्स ऑपरेशनल नहीं है, सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, कैसे आप इसे देखते हैं? किया गया है जी, सरकारी धन का दुरुपयोग है, क्योंकि ये वाटर कूलर जब भी लगे एटीएम वाले लगे हैं पैसा डालने पर बताते हैं पानी नहीं निकलता है, खाली डिब्बे की जैसा पड़ा हुआ है पानी जो आ रहा है, वो कहीं कहीं वो गंदा पानी आ रहा हुआ है। तो किस तरीके से इसका खाली बंदर बांट किया गया, सरकारी बंदर बांट किया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। और इसका जब आज जरूरत है, जब लगा है तो वो जाड़े में लगा, जब नगर पालिका का कार्यकाल समाप्त हो रहा था, कुछ पैसे बचे हुए थे जिनको अच्छे जहाँ उपयोग कर सकते थे, लेकिन उसको जबरदस्ती वाटर एटीएम जो कि घटिया क्वालिटी का था, जो भी 2-3 महीने भी नहीं चल पाया, और जब आवश्यकता है जनता को शीतल जल पीने की आवश्यकता आई तो आज वो एटीएम सारे खाद डब्बे बने हुए। तो अंकुर जी इसे ऐसे नहीं कह सकते कि सामने चुनाव था, इसी को देखते हुए किसी तरीके से जनता को दिखाना था कि भैया हमने कुछ काम किया है, तो ये 3-4 जो है स्ट्रक्चर्स खड़े कर दिए गए, 15-20 स्ट्रक्चर्स खड़े कर दिए गए, पैसे भी जोड़ दिए गए, भले उसका इस्तेमाल हो या ना हो। जी सत्य है कि कहीं ना कहीं चुनावी उसका मूव बनाया गया कि उसमें फोटो लगाई गई नगरपालिका अध्यक्ष श्री मोदी जी की, योगी जी की, सरकार के मंत्रियों की, उसमें फोटो लगा करके और उस वाटर एटीएम को लगाया गया। लेकिन जनता देख रही है कि जिस तरीके से पब्लिक
के लिए या सुविधा के लिए लगाया गया था, लेकिन आज वो बिल्कुल बेकार साबित हो जब उसका। अंकुर जी इसके ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगा दी गई है। अंकुर जी, इसके ऊपर हमारे कैबिनेट मंत्री की तस्वीर लगा दी गई है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर लगा दी गई है। क्या ये जो नगर पालिका के जिम्मेदार गैर जिम्मेदार जनप्रतिनिधि कह लीजिए, क्या ये हमारे दिग्गज नेताओं की साख को खराब करने की कोशिश नहीं है? जी, यहाँ पैसे का बंदर बांट करने के लिए इसने घटिया तरीके के एटीएम वाटर टैंक लगाए गए। बहुत पहले भी तमाम वाटर टैंक लगे, वाटर कूलर लगे, जिसमें बहुत सारे लोगों ने फायदा उठाया, लेकिन कहीं ना कहीं नगर पालिका के जो भी जनप्रतिनिधि रहे हैं उन्होंने या सरकारी जो ईओ या जो भी लोग रहे हैं उसके जिम्मेदार वही लोग हैं, क्योंकि इस तरीके का बद्दा मजाक या जनता का दिया हुआ पैसा जो बर्बाद हो रहा है, सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ है, निश्चित ही आगामी जो चुनाव है उसमें उसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी की जो भी चेयरमैन लड़ेगा उसको भी देखना पड़ेगा और सरकार जो आने वाली है उसको भी देखना पड़ेगा। बिल्कुल, शुक्रिया अंकुर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं बस्ती की तस्वीरें आप देख रहे थे। कुल मिलाकर इस तस्वीर को, इस खबर को इस प्राइम टाइम पर दिखाने के पीछे मकसद ये था कि किस तरीके से जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो कैसे पैसों का बंदरबांट करने लग जाते, दुरुपयोग करने लग जाते, सिर्फ इस चीज के लिए कि थोड़ी सी पब्लिसिटी हो जाए, थोड़ा हमारा पीआर हो जाए, सामने चुनाव था। अब ऐसे में नगर पालिका के जो तमाम दिग्गज है, जो जनप्रतिनिधि जिनके भरोसे नगर पालिका है, उन्होंने सोचा कि भैया जो पैसे बचे हुए हैं उसे किसी तरीके से कहीं पे झोंक दिया जाए ताकि जनता को यह लगे कि भैया हमने काम किया है और उस काम को घिरा भी ना जा सके। तो कहीं ना कहीं जरूरत यह है कि जनप्रतिनिधि कहीं पे भी अगर पैसों का इन्वेस्टमेंट करें तो उन पैसों की कीमत समझें। तो फिलहाल के लिए इस खास सेगमेंट में यहीं तक। ब्रेक के बाद कुछ और खास खबरों पर बात करेंगे।